যে ছোট বাড়ি না, এটার মানে ওকে, লাস্ট লেকচার মে হমনে চ্যাপ্টার নম্বর 11th মে এক্সারসাইজ কে এক্সাম্পল দেখে থে, আর উসমে হমনে 11.11 তক এক্সাম্পল দেখে থে। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। আব আজ হমকো এক্সাম্পল দেখতে হে 11.12। ওকে, তো 11.12 মে আপ দেখ সকতে হো ইয়াহা পে জো ইনস্ট্রাকশন দিয়া হে। দেখিয়ে, ক্যালকুলেট দ মোমেন্টম এন্ড ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ অফ দি ইলেকট্রনস অ্যাক্সেলারেটেড থ্রু আ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স 56 ভোল্ট। দেখিয়ে, মোমেন্টম নিকালনা হে অর ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ অফ দ ইলেকট্রনস, ইলেকট্রনস কে লিয়ে মোমেন্টম অর ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ নিকালনি হে। তো ইয়াহা পে ইসকা হমনে জো ফর্মুলা ডিরাইভ কিয়া থা, ये ए पार्ट है, उसमें हमको मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम, और सेकंड उसमें हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला था वेवलेंथ का, लेमडा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाय इन स्क्वायर रूट इन पोटेंशियल डिफरेंस, और ए फॉर्मूला किस में था, नैनोमीटर में, याद आ रहा है बच्चों? लेमडा इज इक्वल टू 1.227 नैनोमीटर डिवाइड बाय इन स्क्वायर रूट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे ए आपको दिया हुआ है, देखिए इसको, वन पॉइंट टू टू सेवन डिवाइड बाय इन स्क्वायर रूट पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 56 वोल्ट। तो यहाँ पे 56 ए आपको किस में मिलेगा, नैनोमीटर में। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 56 का स्क्वायर रूट निकालिए और उसको 1.227 को इससे डिवाइड कीजिए, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, और वो हमारे लिए होगा लेमडा। जीरो पॉइंट 1639 नैनोमीटर। ओके, और किसी को आंसर मिला इसका? जीरो पॉइंट 1639, और मीत सिर्फ उर्मिक को ही आंसर मिलता है, आप भी कीजिए ट्राई। जीरो पॉइंट 1639 बराबर है ना, नैनोमीटर। चलिए इतना आंसर मिला। अब हमको मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन लेमडा। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड 6.6 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा, जो है वो नैनोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको जो मोमेंटम है वो केजी मीटर पर सेकेंड में मिलेगा, तो 10^-9 मीटर। ओके, चलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपको इसका आंसर जो मिलेगा, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये समझ में आया, यस और नो? फोर पॉइंट 024 जेनिल बरोबर है, और किसी को? फोर पॉइंट 04 इंटू 10^-24 बरोबर है। ओके, तो इसका आपको आंसर इतना मिलेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
इसके बाद देखिए 11.14, 11.13 सेम ऐसा एग्जाम्पल होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते। 11.14 में देखिए, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, अब हमको इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालना है और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखिए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, बरोबर है ना। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी, ये फॉर्मूला समझ में आया। यहाँ से अगर मैं वी स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाता हूँ, मतलब वी को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम इंटू लेमडा। पर यहां पे देखिए, हियर वी स्क्वेयर, यहां पे क्या आप देख रहे हो, वी स्क्वेयर है, और यहां पे हमारे पास क्या है, ओनली वी, तो इसको स्क्वेयर लेना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वेयर करते हैं, तो टेक स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर डिवाइड बाय एम स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर। अब ये जो वी स्क्वेयर का वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन, ओके, और इसको इक्वेशन नंबर टू। तो वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर पुट इन इक्वेशन नंबर वन, वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर पुट इन इक्वेशन नंबर वन, ओके। तो इक्वेशन नंबर वन में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वी स्क्वेयर की जगह पे देखिए एच स्क्वेयर एम स्क्वेयर लैम्बडा स्क्वेयर, ओके। अब यहां से देखिए क्या कैंसल आउट होगा, एक एम कैंसल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या बना, एच स्क्वेयर टू एम इंटू लेमडा स्क्वेयर, और एक इसके लिए है इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए, अब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको किसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की, बरोबर है। अब इसमें हम क्या क्या, मतलब कौन से वैल्यू नॉन है, तो एच इज अ नॉन क्वांटिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 इंटू 10^-31, लैम्बडा वेवलेंथ हमको दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, ओके। सेम न्यूट्रॉन के लिए मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, यही प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं, तो टू मास ऑफ न्यूट्रॉन और ए लेमडा स्क्वेयर, ओके। चलिए, ये न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो गया, तो आप इसमें वैल्यू रखोगे और इसका आंसर निकालोगे, बरोबर है। अब न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10^-27 kg, ओके। तो अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखिए 6.6 इंटू 10^-34 इसका स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1.66 इंटू 10^-27 और
वेवलेंथ कितनी है? 589 इंटू 10⁻¹ मीटर में कन्वर्ट किया और उसका स्क्वायर। ओके, बस आप इसका सिंप्लीफाई कीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी किस में मिलेगी? जूल में। यही मेथड से आप इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी निकाल सकते हो जूल में। चलो कर सकते हो बच्चों, इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे। उर्मी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.95 इंटू 10⁻²। वेरी गुड। ओके बच्चों, आपने आंसर नहीं दिया, यू कैन डू इट। इतना समझ में आया आपको एग्जाम्पल नंबर 11.14 कि हम काइनेटिक एनर्जी कहां से निकालेंगे? अगर हमारे पास वेवलेंथ है तो, बरोबर है? चलिए, तो इसमें समझ में आया सबको? यस। बरोबर है जैनील, उर्मिक, नैतिक। ओके, तो इसको आप कंप्लीट करना। चलिए इसके बाद आगे, अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 11.16। एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ईच हैव वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ईच हैव वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। फाइंड देयर मोमेंटा, दोनों के लिए हमको मोमेंटम निकालना है। तो यहां पे पहले हम निकालते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो फोटोन के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। उसमें फोटोन का मोमेंटम जो हमने निकाला था वो कितना था? तो यहां पे पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्ब्डा। चलिए ये फॉर्मूला था, याद आया रहा सबको। अब यहां पे हम निकाल सकते हैं एच कितना है, 6.6 इंटू 10⁻¹⁴, और वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, मतलब 1 × 10⁻¹⁹ मीटर। अगर 1 नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, तो आंसर कितना आएगा, 6.6 ए 10⁻¹⁹ पावर न्यूमिरेटर में जाएगा, तो 34 में से 9 मतलब 25 आएगा ना, तो 10⁻²⁵। ये क्या मिला आपको, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड। ओके, एक इसका मोमेंटम मिला फोटोन का। अब याद करिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के लिए हमने मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकाला था, तो डी ब्रोगली के फॉर्मूला से हमने निकाला था मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो भी तो सेम फॉर्मूला था, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्ब्डा। क्योंकि हमको डी ब्रोगली ने वेवलेंथ दिया था फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, देन पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्ब्डा। अब एच कॉन्स्टेंट है तो दोनों में सेम आएगा, लैम्ब्डा दोनों के लिए एक ही है 1 नैनोमीटर, तो जितना मोमेंटम हमको फोटोन के लिए मिला उतना ही हमको किसके लिए मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, उतना ही 6.6 इंटू 10⁻²⁵ केजी मीटर पर सेकंड। चलिए ये समझ में आया, बरोबर है? ओके, इसके बाद बी, उसमें क्या कल हमको फाइंड करना है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, और न्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, C अपॉन लैम्ब्डा। चलो कर सकते हम, तो E इज इक्वल टू एच का वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻³⁴। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C,
3 × 10⁸ एंड वेवलेंथ कितनी है 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻¹⁹ मीटर। तो ये आपको वैल्यू मिलेगा किसका, एनर्जी का, जूल में। आप इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर सकते हो तो वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में, बरोबर है। ओके चलिए, इसमें समझ में आया। अब उसके बाद वो आप देख लेना कि उसमें कितना वैल्यू आएगा, बरोबर है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सोचिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं, रिफर क्वेश्चन नंबर 14, बरोबर है उर्मी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, 11.14 को फिर से याद करेंगे और हमारे पास ये आप देख रहे हो फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एच स्क्वायर 2ME/λ². तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एच स्क्वायर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये सारी वैल्यू है, एच इज अ कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड वेवलेंथ इज गिवन 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻¹⁹ मीटर। ओके तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यस ओके। तो बस इसमें एक थोड़े बहुत फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कि किसको हम कैसे निकालेंगे, बरोबर है शाहिन। तो प्रैक्टिस करना, मतलब इसको सॉल्व करना, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, सिर्फ मतलब वैल्यू रख के आपको कैलसी से इसको सॉल्व करना है। ओके तो इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, मोमेंटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको इसको अच्छे से समझ के करना है। चलिए इसके बाद 11.17, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी 1.40 × 10⁻¹⁹ मीटर। फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, बरोबर, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी के लिए वेवलेंथ इतनी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी के लिए वेवलेंथ इतनी होगी, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन का हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन क्या निकाला था फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन एच स्क्वायर 2mn और लैम्डा स्क्वायर। ओके तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि हमको ए लैम्डा कितना मिलेगा, 1.40 × 10⁻¹⁹ मीटर। चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और वेवलेंथ कितनी रखनी है यहाँ पे, 1.40 × 10⁻¹⁹ मीटर, बरोबर है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो h की जगह पे 6.6 × 10⁻¹⁴, इसका स्क्वायर लेंगे, ओके डिवाइड बाय 2, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 × 10⁻²⁷ और लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कितना हमको दिया है 1.40 × 10⁻¹⁰² ओके इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर निकालिए, बरोबर है। तो ये आपका ए पार्ट रहेगा। अब बी पार्ट में देखिए,
ऑल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन। हमको क्या निकालना है इसमें से? वेवलेंथ निकालनी है, बरोबर? सॉरी, वेवलेंथ हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। और यहाँ से हमको क्या निकालना है? तो 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी है। तो यहाँ से देखिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। तो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 1.38 × 10⁻²³, और टेम्परेचर कितना है? 300। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv². ओके, अब देखिए, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 3 × 1.38 × 10⁻²³ × 300 / AM। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो कहाँ पे जाएगा? डिवीजन में। पर M क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमको न्यूट्रॉन के लिए फाइंड करना है। तो न्यूट्रॉन का मास हम जानते हैं 1.66 × 10⁻²⁷। यहाँ से आपको V मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। V मीन्स वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ओके? और हमको वेवलेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, ओके? ये देख रहे हो आप? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन m × v। तो आपको V मिल जाएगा, m हम जानते हैं, हमने यहाँ पे भी रखा है, सो वेवलेंथ इज एच अपॉन m × v। चलिए, आएगा समझ में? तो यहाँ पे समझना है कि हमको जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो इसके इक्वल टू दी है, 3/2 kT। और व्हाट इज के? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वी राइट हियर KB इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 1.38, पावर कितना आएगा? 10⁻²³। चलिए, ये समझ में आएगा? एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा बच्चों? ओके, उसमें एक नैतिक, बरोबर है बच्चों? वन मिनट बच्चों, कर ही दे। वन मिनट बच्चों, आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके बच्चों, इसके बाद लास्ट एग्जांपल 11.40/19। अब इसमें देखिए, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर एट 300 केल्विन। एज्यूम दैट द मॉलिक्यूल्स इज मूविंग विथ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दिस टेम्परेचर।
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ये आपको दिया हुआ है, बरोबर है। व्हाट इज दी डी ब्रोगली वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये समझ में आया? ओके, पर पहले हम वी कहाँ से निकालेंगे? तो फिर से ये हमारे पास 300 केल्विन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 क्रॉस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 raised to -23 और टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कहाँ से? तो देखिए N2 के लिए कितना होता है, तो 2 क्रॉस हमको दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 14.0076 यूनिट, बरोबर है, ये टोटल होगा। अब हम जानते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10^-27 केजी। तो इतने यूनिट के लिए कितना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ओके। तो मास जो है हमको कितना मिलेगा, 1.66 इंटू 10^-27 और ये आएगा 28.0076, ओके। ये आपको यहाँ पे नोट करना है मास। तो यहाँ से आपको वी स्क्वायर मतलब वी मिल जाएगा और यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्ब्डा। चलिए आएगा समझ में बच्चों, इसमें समझ में आएगा इस एग्जांपल में। तो ये एग्जांपल जो है उसको आप ऐसे सम कर सकते हो, क्लियर है, ओके। अब देखिए तो 11 चैप्टर में मतलब चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें 1 से लेके 19 तक एग्जांपल दिए हैं और जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो कैंसल एक्सरसाइज है, मतलब उसमें से हम एग्जांपल नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे। और इस पूरे चैप्टर में सारे टॉपिक बहुत इजी है, तो आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अभी टेस्ट में क्वेश्चन आया होगा कि आइंस्टाइन वाला, तो पूरे मतलब टेक्स्ट बुक में आपको कहीं पे ऐसा हेडिंग नहीं मिलेगा कि आइंस्टाइन का जो आपको फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया है, पर आपको देखना है कि ये जो फॉर्मूला था, यहाँ पे हम नोट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ये फॉर्मूला मैंने थ्योरी वीडियो में आपको बताया था कि ये आइंस्टाइन फॉर्मूला है। तो ऐसे अगर बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसमें डेविसन और जर्मर का जो टॉपिक है वो कैंसल है, ओके। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 एटम स्टार्ट करेंगे, बरोबर है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रिफ़र करना है, जो भी टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटोन, उसके बाद डी ब्रोगली, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग और लास्ट में डेविसन और जर्मर। क्लियर है बच्चों, ओके। तो इस लेक्चर में हमारे जितने भी एग्जांपल है वो हमने यहाँ पे किए हैं और बाकी एग्जांपल की आपको प्रैक्टिस करनी है, बरोबर है। थैंक यू।